हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीषा तोमर एंड दिस इज़ माय सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। बिफोर इट इन माय फर्स्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ सॉर्प्शन एंड व्हाट्स द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एंड टुडे in this lecture I am discussing I will explain what factors affect the adsorption. First factor is nature of absorbent. Same gas may be absorbed to different extent on different adsorbent, means same type की gases का भी जो adsorption होता है वो different extents का होता है, different levels का होता है, different अमाउंट में होता है डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स के लिए। सेकंड फैक्टर मींस फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। सेकंड फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, कितना सरफेस एरिया है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट इज ग्रेटर देन ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। सरफेस एरिया में आके एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एडजॉर्बेंट कम ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ द गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ग्रेटर आर द वंडरवॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड दस ग्रेटर इज द एडजॉर्प्शन। मीन्स एडजॉर्प्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गैस एडजॉर्बिटी। मीन्स अगर क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का ज़्यादा है, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मोर है, तो उसमें एडजॉर्प्शन भी मोर होगा। मीन्स विद इंक्रीजिंग द वॉन्डरवॉल्स फोर्सेज एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैसेज एडजॉर्प्शन विल बी इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज अ एग्जाम्पल इन विच हाइड्रोजन हैज़ क्रिटिकल टेम्परेचर 33, नाइट्रोजन 126, कार्बन मोनोक्साइड 136 एंड मीथेन 190, कार्बन डाइऑक्साइड 304, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 324, अमोनिया 3406 एंड SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड विल बी 430। सो दे हैव डिफरेंट एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ। यू कैन वॉच दैट वीडियोज बिफोर इट ऑल्सो फ्रॉम द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास ट्वेल्थ इन्वॉल्विंग द इक्विलिब्रियम। इफ़ द गैस इज एडजॉर्बेड एंड सॉलिड इज द एडजॉर्बेंट देन गैस एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड प्लस एंड इवॉल्व हीट। मीन्स ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच विद प्रोडक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो लिबरेटेड। अप्लाइंग ली सितेलियर प्रिंसिपल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज द एडजॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा। ली सितेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, और अगर एडजॉर्प्शन डिक्रीज करते हो तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट ली सितेलियर प्रिंसिपल यू कैन वॉच video on class 11th on my playlist in my channel, and you can watch that video to know the basic concepts of Lee Sithelier principle. Now what the factor affect the Lee Sithelier principle also. Next factor is pressure. Adsorption increases with pressure at constant temperature. If the temperature is constant then pressure adsorption increases with increasing the pressure. The effect is large in temperature is kept constant at low value. Activation of the solid adsorbent. Activation mass means kya hota hai, increase the adsorbing power of the solid adsorbent. This can be done by the subdividing the solid adsorbent or by removing the gases already absorbed by the passing superheated steam. So we have discussed in this short videos factors affecting adsorption, that is nature of adsorbent, surface area of the adsorbent, nature of the adsorbed and temperature
प्रेशर एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड. इफ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट शेयर एंड रिव्यू एंड थैंक यू सो मच.